3 जनवरी 2022 का सीन आप लोग देख रहे हैं। ये गाय पिछले 3 दिनों से हॉस्पिटल में लावारिस गाय है, पड़ी हुई है। खैर, यहाँ के जो कर्मचारी हैं कुबेर जी, वो इसकी मदद में आए हैं, इसका मलहम पट्टी उन्होंने किया। खैर, यहाँ कर्मचारी हैं, उनका तो दायित्व है, लेकिन इसको भोजन वगैरह भी वो खिला रहे हैं, पानी वगैरह भी पिला रहे हैं। तो उनसे हमारी मुलाकात हुई, मैं इधर से जा रहा था, तो मैं हॉस्पिटल के आता रहता हूँ बीच बीच में, कि कोई जानवर लावारिस बुरी स्थिति में ना पड़ी हो, कोई इसकी देख रेख हो रही है कि नहीं हो रही है, पूरा ध्यान देना पड़ता है। तो आज मैं इधर आया तो मैंने देखा कि एक गाय जो है लावारिस अवस्था में पड़ी हुई है, और इसको देखने वाला कोई नहीं है, अस्पताल के जो कर्मचारी हैं उनके भरोसे पड़ी हुई है। अब आप समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल के कर्मचारी, वो उनके पास हजारों काम होते हैं, वो लावारिस जानवरों को क्या देखेंगे, पट्टी वगैरह बांध दिए हैं, यही बहुत है। डॉक्टर लोग बड़ा सहयोग कर देते हैं। खैर, भोजन वगैरह की व्यवस्था हॉस्पिटल में है नहीं, ना एडमिट करने की यहाँ पर कोई व्यवस्था है इन जानवरों की, तो ऐसे जानवरों के लिए सरकार को हॉस्पिटल में जानवरों को एडमिट कराने की व्यवस्था करनी चाहिए, और ऐसे एक्सीडेंट जो आए दिन होते हैं इसके लिए भी कुछ उचित प्रबंध करना होगा, कुछ व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि इनके ऐसे एक्सीडेंट ना हो। ये जवान गाय है, इसका पूरा जीवन है, परंतु इसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी हुई। बाबा श्याम साधु जी ने अपने घर से एक अपना साथी भेजा है, इनकी मदद में लगा हुआ है, तो वो उसको भी हम अपने साथ लेकर के आए। बाबा जी ने स्वयं भेजा, हम तो गए थे बाबा जी के यहाँ कि इनके लिए कुछ भोजन व्यवस्था, भोजन वगैरह ले आए, क्योंकि बाबा जी के यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ पशुओं के लिए रहता है। तो ब्रेड वगैरह मैं गया था लेने, ये देखिए ब्रेड वगैरह, कि इनको कुछ भोजन मिल जाए, 3 दिन से भूखी प्यासी यहाँ पड़ी है। तो बाबा जी ने पूड़ी वगैरह, भंडारे की पूड़ी जो है उनके पास रखी हुई थी, तो भेजा है, अपने लेबर अपने साथी को भी साथ में सहयोग के लिए भेज दिया। तो बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद श्याम साधु जी का, वरना अकेले हमको जो है पूरा देखना पड़ता। खैर, अभी तो इसको मुझे कई दिन तक है जो इसकी सेवा में लगना होगा। तो यही हमारी सरकार से मांग है कि ऐसे निराश्रित जानवरों के लिए कुछ उचित प्रबंध किया जाए, ऐसे ये जनता के भरोसे कार्य जो है कब तक होगा, इनकी सेवा जो है जनता के भरोसे कब तक होगा। ये सरकार को कुछ बड़ी व्यवस्था इनके लिए करनी होगी कि ऐसे लावारिस जानवरों को बाकायदा भर्ती कराया जाए, इनकी अस्पतालों में भर्ती होने की व्यवस्था की जाए, साथ ही साथ कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे कि इनको सही इलाज और सही पोषण मिल सके। ये आप लोग देख रहे हैं 3 दिसंबर 2022। खिलाते रहो, देखो रुकी 3 दिन से भूखी बैठी है, देख सकते हैं अभी पानी वगैरह दिया गया है। देखिए इसके पैर में ये चोट लगी हुई है, पट्टी बंधी हुई है, और ये गाय रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। अस्पताल कर्मचारियों का कहना है कि इसको बचाना जो है वो बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल क्या है, असंभव। तो जब तक जी रहे हैं बस इनको कीड़े न पड़े, बस यही प्रयास रहेगा, और ये भूखे प्यासे यहाँ न मरे। और कितने जानवर आते रहते हैं, कितने जानवरों की सेवा हम लोग में लगे हैं। अब ये रात में, खैर ये कमरा है सरकारी कमरा, ये सरकारी कमरा अंग्रेजों के जमाने का सरकारी कमरा है, यहाँ पर किसी प्रकार की अभी व्यवस्था है नहीं। तो योगी जी से, जो कि प्रेजेंट में हमारे सीएम है यूपी के, उनसे हमारा अनुरोध है कि ऐसे जानवरों के लिए उचित व्यवस्था की जाए, जैसे इंसानों के लिए व्यवस्था की जा रही है,
वैसे जानवरों के एडमिट होने के और इनको नहीं खा रही। चलो ठीक है, फिर ये सामान जो है यहीं पर रख देते हैं उस कमरे में, है ना। और रखने के बाद क्या करेंगे कि कल इसको खिलाएंगे, है ना, ब्रेड वगैरह जो है इसी पॉलिथीन में डाल देती हूं, सब्जी भी इसमें। नहीं सब्जी एक काम करो, थोड़ा सा देखो अगर खाए तो, अगर खाती है थोड़ा सा खिलाओ, क्योंकि सब्जी वगैरह ये लोग टेस्ट जानवर होते हैं ना, इनको टेस्ट जैसे शहर का इंसान बड़ा टेस्ट खाता है ना, नहीं खोल रहे मुंह पर पिज्जा बर्गर, वैसे ये भी शहर के जानवर जो है इनको भी टेस्ट वगैरह का बड़ा। चलो ठीक है, नहीं खा रहे छोड़ो, है ना, अभी कल जब आएंगे तो उसको खिलाएंगे। वो पूड़ी जो है इसी में खाओ, झोले से हटा के उसमें रख लेते हैं, ठीक है। तो पूड़ी हाथ में ले और बताएं, ये वाली नहीं ले? हाँ ले लो पूड़ी, ले लो। हाँ अब इसको कल हम आएंगे तो खिलाएंगे, है ना। आ जाओ आ जाओ, बचा करना है गोबर, ये देखो। अभी इसको क्या करते हैं, ये देखो ब्रेड वगैरह हम यहाँ रखे हैं बाकायदा, समझे, पहले का। अब वो अच्छा समय की रखा हुआ है, व्यवस्था में किया हूँ, फास्ट है ना, आज बाबा के यहाँ से लाने का आवश्यकता नहीं थी। एक काम करो, ये ब्रेड जो है इसी में डाल दो, है ना, ब्रेड डाल दो और ये यहीं पर रख दो सब्जी सहित। तो कल हम इसको जो है आएंगे और खिला देंगे, ठीक है। ये इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, और मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि समाज में एक प्रकार की जागरूकता फैले जीवों के प्रति, पशुओं के प्रति। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।